हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे और मैं हूँ जीत। और आज की वीडियो पे आप लोगों को मेरा एक लिखा हुआ गाना जो कि मैंने कुछ देर पहले ही बनाया है आप लोगों को वो सुनाऊंगा एंड आप लोगों के एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि एक गाने में फील कैसे ला सकते हैं, हम इंस्टेंटली कैसे लिरिक्स बना सकते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में कॉम्बाइंडली आपको ये गाना गाकर सुनाकर बताऊंगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है उसमें मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, 6 से 7 पॉइंट्स हैं जिसमें कि डायरी से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक तक सारी चीज़ें मैंने बताए हैं। तो एक तो डायरी मैंने इसमें लिरिक्स अपना लिखा हुआ है और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है जो कि है बैकग्राउंड म्यूजिक आपको एक सोचना है, उसके लिए मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है जो कि मेरा गिटार है। मैं गिटार बजा लेता हूं तो मैं गिटार यूज़ किया हूं। अगर आप लोगों को गिटार नहीं आता है, अगर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं तो कोई भी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर सकते हैं, इवन हारमोनियम एंड तबला से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने अपने ये गाने में गिटार यूज़ किया है और आप लोगों को बताने की कोशिश किया है कि कैसे मैंने ये किया है। सो आइए चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को बताता हूं कि मैंने कैसे ये बनाया है। सो दोस्तों, ये था मेरा गाना आप लोगों के सामने जो कि मैंने कुछ देर पहले ही बनाया एंड इसमें मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है दोस्तों। मेरे गिटार का जो आपने साउंड सुना है उसमें बस थोड़ा सा बेस डाला है मैंने मेरे सॉफ्टवेयर की मदद से एंड मेरे वोकल में मैंने थोड़ा सा रिवर्ब एंड डिले डाला है बस, और कुछ भी इसमें नहीं डाला है। तो आप भी ऐसे गाने बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बट अगर आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, तब आप बहुत ही अच्छे अच्छे गाने लिख सकते हैं। ये तो मैंने बस ऐसे ही रफली बनाया आप लोगों को समझाने के लिए कि गाना आप बना सकते हैं इजीली, ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप अगर बहुत ही डीप सोचते हैं तो आपका सोच अगर वैसा है तो आप इजीली बना सकते हैं। आपको थोड़ी वैसे सोच रखनी पड़ेगी, बहुत चीज़ें आपको सोचने पड़ेंगे, ख्याल आने पड़ेंगे आपके दिमाग में, बहुत कई सारे ख्याल लाने पड़ेंगे, तो आप इजीली बना सकते हैं गाने, उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे लाइव अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। हर हफ्ते मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही कीमती हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।